बुलंदशहर शहर में रविवार को रामनवमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। दोपहर 4:15 बजे विजय पैलेस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विशाल जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ, जिसमें सिर पर केशरियां पगड़ी बांधे युवा चल रहे थे। हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों सहित युवा जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए गौरवान्वित हो रहे थे। इस दौरान शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली। खास बात रही कि मकराना में मुस्लिम भाइयों ने दो जगहों पर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने मुस्तैदी से कमान संभाले हुई थी। पुलिस ने शोभा यात्रा से पूर्व यात्रा मार्ग के घरों व प्रतिष्ठानों की छतों की ड्रोन उड़ाकर वीडियोग्राफी कराई एवं कुछ चिन्हित स्थानों की छतों पर पुलिस के जवान तैनात किए। जुलूस में बोरावड़ से भी एक जत्था शामिल हुआ। इस मौके पर विधायक रूपाराम मोरावतिया, प्रेम प्रकाश मोरावतिया, सरपंच संघ अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर, मोहन सिंह चौहान, शक्ति सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह, महेंद्र आंदड़, महेंद्र सुरेश कुमावत, अंकित तंवर, लक्ष्मण परनानी, प्रवीण चौहान, पांचुराम गोटाला, मनीष सांकला, विजय लड्डा, कैलाश शर्मा, महावीर पारिक, बजरंग व्यास, श्याम सुंदर स्वामी, कमल खंडेलवाल, गिरधर व्यास, श्याम सुंदर स्वामी का गिरधर फ्लोड, बबलू शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने रामनवमी पर भड़काऊ पोस्ट करने पर शांति भंग के आरोप में हरियाणा निवासी विजेंद्र सिंह पुत्र विशंबर सिंह 35 वर्षीय को शनिवार रात्रि को ही गिरफ्तार कर लिया था।